बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिजली को लेकर के आंदोलन, आज केजरीवाल घर के बाहर प्रदर्शन। जो केजरीवाल सरकार के द्वारा लोगों को बिजली के बड़े हुए बिल भेजे जा रहे हैं, फिक्स चार्ज मनमाने ढंग से वसूले जा रहे हैं, और यहाँ तक ही नहीं, बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली सरकार उनको डिसकनेक्शन के नोटिस भी भेज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जन आंदोलन प्रारंभ किया है और हम अंतिम समय तक इस आंदोलन को चलाएंगे, जब तक दिल्ली सरकार बड़े हुए फिक्स चार्जेज और बिजली के बिल वापस नहीं ले लेती, आंदोलन जारी रहेगा। आज हम जो बिजली के बड़े हुए बिल हैं उनका यहाँ जला रहे हैं, दहन कर रहे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप बिजली हाफ और पानी माफ के मुद्दे पर आपने सरकार बनाई थी, और आज आपने उसी मुद्दे को छोड़कर इस आर्थिक संकट की घड़ी में, इस लोगों की कोरोना संकट की घड़ी में आप बड़े हुए बिजली के बिल भेज रहे हैं, उनको डिसकनेक्शन के नोटिस भेज रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कतई होने नहीं देगी। सर, जो पुतला दहन कर रहे हैं, बिजली के बिल जला रहे हैं, उसके जरिए मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो दिल्ली सरकार की मनमानी है, जब बिजली कंपनियों के साथ आप मिलकर आप घोटाला कर रहे हैं, आपने फिक्स चार्ज जितनी बिजली इस्तेमाल ही नहीं होती है, इस्तेमाल 5,500 मेगावाट हो रही है और आप फिक्स चार्ज ले रहे हैं 22,874 मेगावाट के, ये जो बड़े हुए फिक्स चार्ज के नाम पर आप जो घोटाला कर रहे हैं, जो बिजली कंपनियों की मार्फत आपकी जेब में जा रहा है, स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जब वीडियो कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम फिक्स चार्जेस के लिए कंसर्न है और हम इसको करेंगे, लेकिन हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फिक्स चार्ज क्या आपकी जेब में जा रहे हैं या सरकार के खाते में जा रहे हैं? फिक्स चार्ज तो कंपनियों के खाते में जा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह कि इसका मतलब आपको भी पैसा मिल रहा है। तो ये जो घोटाला है, DERC, बिजली कंपनियां और ये दिल्ली सरकार, ये मिलकर तीनों लोग कर रहे हैं, जिसका बहुत असर जनता के ऊपर पड़ रहा है। आज जनता की आवाज़ बनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इस आंदोलन को कर रहे हैं, और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री फिक्स चार्जेस को वापस नहीं ले। इस सबसे हटके एक सवाल ये भी है कि कोरोना काल के अंदर प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बनाए, लेकिन प्रोटेस्ट में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो अपनाती हुई नजर नहीं आ रही है। आपके प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। आप देख सकते हैं कि चुप्पी जो है वो फिलहाल जो प्रदेश के अध्यक्ष है उनकी तरफ से साधी गई, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन यहाँ पर फिलहाल होना चाहिए था वो पालन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल अभी होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि गोल घेरे जरूर बनाए गए थे ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रोटेस्ट जो है वो करें, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो फिलहाल इस तरीके से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।